दुष्यंत चौटाला के सुर जो है वो अलग है। कल बिश्नोई जी ने भी कुछ बातें कही हैं। अगर भाई गठबंधन का धर्म है जो जेजेपी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला है, वो कभी भी ना भूलेगा। भूला है ना भूलेंगे। अच्छा, टूटने की बात चल रही है, कुछ आधार है डॉक्टर अजय चौटाला जी मारी गए लाइन, तो दो सवाल लेते हैं आज की राजनीति के ऊपर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ठीक है सर? बढ़िया जी, बढ़िया जी। आज पहुंचे हो सीआरएसयू में, चौधरी देवलाल जी मैं भी सुनने लग रहा था काफ़ी देर तक, उनके साथ के नेता और तमाम जो बड़े बड़े नेता पहुंचे, वक्ता पहुंचे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई होंगी जो शायद आपने भी नहीं बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हर पल उनके बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर लोगों के सामने जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं उनसे मिलता है। सोमपाल जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई थी। अच्छा, अभी अगर आज की राजनीति की चर्चा करते हैं हम लोग, तो विभिन्न तरीके की बातें चल रही है, जिस प्रकार से आपकी एक बहुत बड़ी रैली भिवानी के अंदर हुई है, उस तक क्या कुछ संदेश जा? रैली तो अगले चुनाव की एक आधारशिला है, लोगों का जन समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचना इस बात को इंगित करता है कि जननायक जनता पार्टी का प्रचार प्रसार फैलाव लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, अभी बातें चल रही हैं कि दुष्यंत चौटाला के सुर जो है वो अलग है, कल कुलदीप बिश्नोई जी ने भी कुछ बातें कही हैं। अगर भाई गठबंधन का धर्म है जो जेजेपी पार्टी है, दुष्यंत चौटाला है, वो कभी भी ना भूले, गठबंधन का धर्म नहीं भाई, क्या संदेश? ना कभी भूला है ना भूलेंगे। अच्छा, सरकार टूटने की बात चल रही है, बात का कुछ आधार है? अच्छा सर, जे जब जनता का सवाल, एक संदेश जनता का संदेश 2024 के इलेक्शन ने लेकर जी सुमन अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सुनो भाई। तो फिलहाल डॉक्टर अजय चौटाला जी हमारे लिए मौजूद थे और उन तमने कुछ सवाल लिए हैं आज की राजनीति ने लेकर, बाकी और भी कुछ सवाल है वो हम पूछेंगे। आपका विषय एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया। मैं थर राम राम, जय जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।